नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीता विलेज ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर आप सभी के बीच शेयर करने जा रही हूँ, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आई हूँ अपने खेत में, यहाँ से लूँगी ताज़ा हरा बरबट्टी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा बरबट्टी कितने अच्छे तरीके से फला हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से फल भी रहा है, और ढेर सारा हमने लगा के रखे हुए हैं अपने खेत में। तो इसे एक एक करके हम सबसे पहले तोड़ लेंगे। बहुत ही बढ़िया वाला हमारा बरबट्टी है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बरबट्टी फला हुआ है, जितना हमें चाहिए उसी के हिसाब से हम तोड़ लेंगे। हम अपने आवश्यकता के अनुसार बरबट्टी को तोड़ लिए हैं, अब हम चल रहे हैं घर जहाँ पर बनाएंगे अपना रेसिपी। तो बरबट्टी लेकर आ गए हम घर पर, तो सबसे पहले हम बरबट्टी को अच्छे तरीके से धुलकर साफ कर लेंगे। तो बरबट्टी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 बार धुल लिए हैं। इसके बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है हमारा बरबट्टी दोस्तों, और बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। तो बरबट्टी आलू प्याज टमाटर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। इसके बाद हम सिलबट्टा पर गरम मसाला पीस कर तैयार कर लेंगे। तो मसाला को हम पीस लिए हैं, एक कटोरी में उठाकर रख लेंगे। चूल्हा में हम आग को जला लेंगे, और आग जलाने के लिए हमने यहाँ पर केरोसिन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आग हमारा जल चुका है, अब हम चूल्हा पर रखेंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब हम कढ़ाई में डालेंगे मीठा तेल। अच्छे तरीके से गरम हो गया है, अब हम डालेंगे जीरा। तो जीरा हमारा पक चुका है, हम डालेंगे तेज पत्ता। इसके बाद डालेंगे हम कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, इसी बीच हम डाल देंगे अदरक लहसुन हरा मिर्च पेस्ट। तो इसे भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये सभी मसाला हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसी बीच डाल देंगे पीसा हुआ गरम मसाला। तो गरम मसाला डालकर इसे भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे।
तो सभी मसाला हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसी बीच हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर डालकर इसे भी हम थोड़ा सा मिलाकर पका लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ आलू। तो आलू भी डालकर हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो आलू को मसाला में डालकर लगभग 1 मिनट तक हम बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिए हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ बरबट्टी, इसे बोड़ा भी बोलते हैं दोस्तों। आप सभी लोग के यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बरबट्टी भी डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने आलू और बरबट्टी को भून लिए हैं मसाला में। इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक भी डालकर अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो नमक डालकर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लिए हैं सब्जी में। इसके बाद हम डालेंगे अपने आवश्यकता के अनुसार पानी। तो पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें सूखा बनाकर तैयार करना है, हमें रसीला सब्जी नहीं बनाना है। अगर आप सभी लोग को रसीला सब्जी बनाना है तो आप लोग अपने हिसाब से पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो पानी को हम अपने आवश्यकता के अनुसार ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम ढककर पकाएंगे इसे। तो चलिए एक बार चेक कर लेती हूँ। तो हमारा सब्जी पक चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। तो इसे भी अच्छा हम डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर हम इसलिए बाद में डाल रहे हैं, अगर हम सब्जी के साथ डाल देते हैं तो आलू पकने में थोड़ा सा लेट लग जाता है। तो इसलिए आलू हमारा थोड़ा सा पक चुका है, इसलिए हम टमाटर भी डाल दिए हैं। इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। तो इसे भी अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसके बाद ढककर 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो लगभग 1 मिनट तक हम और पका लिए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सब्जी पककर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो हमारे तरीके से एक बार आलू और बरबट्टी का इस तरीके का सब्जी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। चलिए अब हम चूल्हा पर से उतार कर रख देते हैं नीचे। तो चलिए एक प्लेट में निकाल कर हम आप सभी को दिखा देते हैं कि कितना टेस्टी हमारा सब्जी बना हुआ है। तो हमारे सब्जी बनाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी हमारा सब्जी बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। देखने में भी सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। बहुत ही स्वादिष्ट हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।